हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स, मध्य प्रदेश की नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 29 जून 2019 और ये हमारी 187वीं क्लास है। 12 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम और आपके नॉलेज की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आप नोट कर लें क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताते हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। दोस्तों, अगर आपको एमपी जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके आंसर जरूर करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में कहां G20 शिखर सम्मेलन 2019 शुरू हुआ है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ओसाका। हाल ही में ओसाका में G20 शिखर सम्मेलन 2019 शुरू हुआ है। जापान के ओसाका में यह सम्मेलन शुरू हुआ है। दोस्तों, इस G20 शिखर सम्मेलन में डिजिटलकरण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। दोस्तों, G20 सरकारों व केंद्रीय बैंकों का एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है। इसमें विश्व के सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल होती हैं। दोस्तों, आपको बता दें G20 का गठन 26 सितंबर 1999 यानी 1999 में किया गया था। इसका उद्देश्य सदस्य देशों की वैश्विक अर्थव्यवस्था के मुख्य बिंदुओं और समस्याओं पर चर्चा करने के लिए एकत्रित करना है। दोस्तों, कुछ G20 शिखर सम्मेलन के सदस्यों के नाम आपको बता दें तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और यूरोपियन संघ हैं। ये G20 शिखर सम्मेलन के सदस्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में कौन मणिपुर के राज्यपाल बने हैं? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है पद्मनाभ आचार्य। हाल ही में पद्मनाभ आचार्य मणिपुर राज्य के राज्यपाल बने हैं। दोस्तों, पद्मनाभ आचार्य कि हाल ही में मणिपुर के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। उन्हें मणिपुर के उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस लानू सुंगकम जमीर ने शपथ दिलाई है। दोस्तों, इस मौके पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और अन्य मंत्रीगण भी मौजूद थे। नागालैंड के गवर्नर पद्मनाभ आचार्य मणिपुर के गवर्नर नजमा हेपतुल्ला की अनुपस्थिति में मणिपुर की राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे। दोस्तों, अब बात आई है मणिपुर की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट मणिपुर के बारे में बता दें। दोस्तों, मणिपुर भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक राज्य है। इसकी राजधानी है इम्फाल। मणिपुर का गठन 21 जून 1972 यानी 1972 में किया गया था। मणिपुर में 60 विधानसभा सीटें हैं और मणिपुर के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। मणिपुर में 2 लोकसभा सीट है और 1 राज्यसभा सीट है और आर हाल ही में यहाँ के राज्यपाल बने हैं पद्मनाभ आचार्य। ये आपको क्वेश्चन में दिया ही है। चलते हैं नेक्स्ट। भारत ने हाल ही में किस बैंक के साथ मिलकर $400 मिलियन का ऋण का समझौता किया है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है विश्व बैंक। हाल ही में भारत ने विश्व बैंक के साथ मिलकर $400 मिलियन के ऋण पर समझौता किया है। दोस्तों, टीबी के उन्मूलन के लिए इस ऋण पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोस्तों, भारत में प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख लोग टीबी के कारण अपना दम तोड़ देते हैं। भारत में 2025 तक टीबी को देश से समाप्त करने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है, इसलिए इस ऋण के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। दोस्तों, अब बात आई है विश्व बैंक की, तो आपको इसके बारे में बता दें। दोस्तों, विश्व बैंक को हम वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं। इसका मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। एक बार फिर आपको बता दें, वर्ल्ड बैंक का मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। इसकी स्थापना 1945 यानी 1945 में की गई थी। दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। 189 कंट्री वर्ल्ड बैंक के सदस्य देश हैं। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मलप्स। तो इतना आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में याद रखना है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है डीआरडीओ। हाल ही में डीआरडीओ ने पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। दोस्तों स्वदेश निर्मित और 350 किलोमीटर तक का लक्ष्य भेदने वाली पृथ्वी 2 मिसाइल का हाल ही में ओडिशा के चांदपुर परीक्षण केंद्र से रात में परीक्षण किया गया है। दोस्तों रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। दोस्तों अब बात आई है डीआरडीओ की, तो आपको डीआरडीओ के बारे में बता दें, इसका फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, हिंदी में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन होता है। दोस्तों इसकी स्थापना 1958 यानी 1958 में की गई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसकी हेड है जी सतीश रेड्डी और मोटो है वलस्य मूलम विज्ञानम। तो दोस्तों इतना आपको डीआरडीओ के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने गौशाला खोलने पर सरकार 10 एकड़ तक जमीन मुहैया कराएगी? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार गौशाला खोलने पर 10 एकड़ तक जमीन मुहैया कराएगी। दोस्तों हाल ही में ऐसा मध्य प्रदेश सरकार ने एक पॉलिसी जारी की है। दोस्तों साथ ही कहा गया है कि जमीन उपलब्ध कराने के बाद सरकार कोई आर्थिक मदद नहीं करेगी, संस्था को अपने खर्च पर गौशाला खोलना होगा। इसके साथ ही गोवंश का पूरा ब्यौरा सरकार को भी देना होगा। दोस्तों अगर कोई संस्था जमीन लेकर गौशाला बंद करती है तो जमीन सरकार को लौटानी होगी। संस्था द्वारा गौशाला के लिए बनाया गया सेटअप बॉक्स वापस लेने का अधिकार नहीं होगा, यानी निर्मित गौशाला को उसी स्थिति में छोड़ना होगा जैसी वह है, भले ही संस्था का कितना भी खर्च क्यों ना हुआ हो। तो ये हाल ही में व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस जिले में पुलिस द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सागर जिले में। हाल ही में सागर जिले में पुलिस द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया गया है। दोस्तों पुलिस और ड्रग फ्री वर्ल्ड इंडिया फाउंडेशन द्वारा यह नशा मुक्त अभियान चलाया गया है। दोस्तों इसमें लोगों को नशे के बारे में जागरूकता फैलाई गई है। दोस्तों आपको बता दें सड़क दुर्घटनाओं में ज्यादातर मौत का कारण ड्राइवर का नशे में होना बताया जाता है, जिसके कारण यह अभियान चलाया गया है। दोस्तों अब बात आई है सागर की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट सागर के बारे में बता दें। मध्य प्रदेश की प्रथम विश्वविद्यालय जिसे हम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं यह सागर जिले में ही स्थित है। दोस्तों पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज जो मध्य प्रदेश का दूसरा कॉलेज है यह सागर जिले में ही स्थित है। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पहला विद्यालय इंदौर में स्थित है। फॉरेंसिक साइंस लैब की स्थापना भी सागर जिले में ही की गई है। दोस्तों आपको बता दें राहतगढ़ किला वीणा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों आफचंद की गुफाएं सागर जिले में ही स्थित हैं। गढ़पहरा जिसे प्राचीन सागर के नाम से जाना जाता है यह दांगी साम्राज्य की राजधानी के नाम से भी प्रचलित है। दोस्तों सागर में पद्माकर समारोह स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स मौजूद है। दोस्तों इतना आपको सागर के बारे में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य में मुसलमानों के लिए अलग से डाइनिंग हॉल बनवाया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। हाल ही में पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के लिए अलग से डाइनिंग हॉल बनवाया गया है। दोस्तों इस डाइनिंग हॉल में मुसलमान अलग से पढ़ाई कर सकेंगे, खाना खा सकेंगे और यह सिर्फ बच्चों के लिए बनवाया गया है। यानी दोस्तों अगर कहा जाए तो बच्चों को शुरू से यह पाठ पढ़ाया जाएगा कि हिंदू अलग होते हैं और मुस्लिम अलग होते हैं। ये एक गलत व्यवस्था है और गलत प्रचार है, ऐसा किसी भी राज्य में नहीं होना चाहिए। लेकिन बात आई है पश्चिम बंगाल की, तो आपको मैप में इसके बारे में बता दें। मैप में ये जगह पश्चिम बंगाल को दर्शाती है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में की गई थी। गवर्नर है केसारी नाथ त्रिपाठी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और राजधानी है कोलकाता।
तो इतना आपको पश्चिम बंगाल के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मध्य प्रदेश वासी को एक भारतीय आत्मा के उपनाम से जाना जाता था? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के उपनाम से जाना जाता था। दोस्तों इसके अलावा कुछ और जो नाम स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं इनके बारे में भी बता दें, तो राजेंद्र जैन को ओशो या रजनीश के नाम से जाना जाता है। कुंजीलाल दुबे को मध्य प्रदेश के विधि पुरुष के रूप में जाना जाता है। पंडित द्वारका प्रसाद को इन्हें मध्य प्रदेश में आधुनिक चाणक्य के नाम से जाना जाता है। इन सभी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा सांची को कब विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है 1989, 1989 में सांची को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। दोस्तों आपको बता दें खजुराहो को 1986 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था और खजुराहो प्रदेश का तीसरा सबसे चर्चित स्थान है दार्शनिक स्थानों में से। दोस्तों वहीं 2003 में भीम बैटिका की गुफाओं को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो ये सभी आपको याद रखने हैं, 1986 में खजुराहो, 89 में विश्व धरोहर और 2003 में भीम बैटिका गुफाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक प्रख्यात संतूर वादक हैं? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ओम प्रकाश चौरसिया। ओम प्रकाश चौरसिया एक प्रख्यात संतूर वादक हैं। दोस्तों आपको स्क्रीन पर कुछ और नाम दिख रहे होंगे इनके बारे में भी बता दें, तो मकबूल हुसैन खान ये एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। वहीं अमजद अली खान ये एक सरोद वादक थे। अलाउद्दीन खान की बात करें तो ये भी एक सरोद वादक थे। दोस्तों इतना आपको इन सभी के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में ही हुआ था। दोस्तों 2 अगस्त 1877 को इनका जन्म सागर जिले में हुआ था। इनकी शिक्षा सागर और रायपुर में पूरी हुई है। दोस्तों इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था और आजादी के समय स्वतंत्रता सेनानी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राज्य पुनर्गठन के पश्चात मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी डॉक्टर रविशंकर शुक्ल ही रहे हैं। दोस्तों स्क्रीन पर आपको कुछ और नाम दिख रहे होंगे इनके बारे में भी आपको बता दें, तो कैलाश चंद्र जोशी, इनका जन्म 14 जुलाई 1929 में देवास जिले में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म ग्वालियर में 25 दिसंबर 1926 को हुआ था। वहीं अगर बात करें उमा भारती की, तो दोस्तों इनका जन्म टीकमगढ़ के डुंडा गांव में हुआ था। इनका जन्म 3 मई 1959 को हुआ था और ये मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही हैं। दोस्तों आपको उमा भारती की कुछ बुक्स हैं उनके नाम भी आपको बता दें, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको याद रखने हैं। तो इनके जो बुक्स हैं उनका नाम है स्वामी विवेकानंद, पीस ऑफ माइंड और मानव एक भक्ति का नाता। ये सभी उमा भारती की प्रख्यात पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की एकमात्र ऋतु वेधशाला किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है इंदौर जिले में। मध्य प्रदेश की एकमात्र वेधशाला इंदौर जिले में स्थित है। दोस्तों इंदौर को मिनी मुंबई, होलकर नगरी के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें इंदौर के कुछ और इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो चंबल, शिप्रा और खान प्रमुख नदियां हैं इंदौर की। दोस्तों एकमात्र शहर जहां आईआईएम 2003 में और आईआईटी 2008 में स्थापित किया गया है। गेहूं अनुसंधान केंद्र प्रदेश का एकमात्र डेंटल कॉलेज यहीं पर स्थित है। राला मंडल वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना और राज्य का एकमात्र नर्सिंग महाविद्यालय यह इंदौर जिले में ही स्थित है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन की, बुंदेली समारोह का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है भोपाल में। भोपाल में बुंदेली समारोह 2019 का आयोजन किया गया है।
दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में देवास का अपर कलेक्टर किसे बनाया गया है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, हम आपके आंसर करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल हम आपके साथ फिर मध्य प्रदेश और वर्ल्ड के इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर हाजिर होंगे। तब तक लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।